आफ्टर पार्टी शायद बैठ चुका है। हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल। तो क्लब जाने से पहले जो है हमने सोचा इवान की पेट पूजा करवा ली जाए, उसके बाद हम करेंगे कोई और काम दूजा। तो चलते ही हैं फिर अब हम क्लब। तो हम पहुंच चुके हैं आज मॉब। तो चलो भाई एंट्री करते हैं मॉब में, और लाइव म्यूज़िक भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत टाइम बाद जो आज क्लब आने का मौका मिला, और अभी हम जो है बहुत जल्दी आ चुके हैं, अभी कोई भी नहीं आया हुआ है। और इवान की तो यहाँ पर मस्ती चालू हो चुकी है, क्योंकि उसका जो है पेट तो फुल हो चुका है, तो अब उसकी फुल और मस्ती जो है स्टार्ट हो चुकी है। आज है हमारी ट्यूसडे नाइट, इसीलिए यहाँ पे जो है ज़्यादा रश भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लोग जो है ज़्यादातर वीकेंड्स पे ही प्लान करते हैं, इसलिए हमने जो है वीकडे चुना ताकि हम आराम से एंजॉय कर सकें। और देख सकते हो अभी वान तो कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है अपना फर्स्ट लाइव म्यूज़िक, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से सुन रहा है वो। इसकी तो नज़रें ही नहीं हट रही है, उसका तो पूरा ध्यान ही वहाँ पर लाइव म्यूज़िक पर क्यों घूम के आ रहा है, तो प्रॉपर इन्जॉय कर रहा है। और बाकी जिसने IPL का मैच देखने IPL के मैचेस भी लगे, अपना IPL मैचेस भी इन्जॉय कर सकता है। अब भाई वान ने बहुत ज़्यादा रेस्ट कर ली और बहुत अच्छे से गाने सुन लिए, तो अब वो है फुल मस्ती के मोड पे आ चुका है। अब वो पूरे क्लब में जो है रौनक लगा रहा है इधर से उधर दौड़ दौड़ के, और साथ में अपने पापा को भी दौड़ा रहा है। अब इवान तो ऐसे रुकने वाला नहीं है, तो उसके लिए अब हमने ऑर्डर कर ली उसकी फेवरेट चीज़। तो अब जाके इवान बैठेगा और आराम से खाएगा। आप देख सकते हैं अब इवान जो है शांति से आराम से बैठ के अब खाने वाला, और उसके पापा को भी थोड़ी रेस्ट हो जाएगी। तो अब हम भी जो है अपनी पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे कोई और काम दूजा। तो यहाँ आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म बिरयानी। यस, मुझे तो देखकर मुंह में पानी आ रहा है। तो अब हम खाएंगे बिरयानी। बहुत टाइम बाद जो ऐसे लाइव म्यूज़िक सुनने का मौका मिल रहा है, और ऐसे हम डिनर कर रहे हैं साथ में बैठकर, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और लोग भी अब धीरे धीरे आना जो है स्टार्ट हो रहे हैं, और इवान भी देखो कितने अच्छे से बैठ के खा रहे हैं। अब इवान की पेट पूजा हो चुकी है, तो इसलिए वो पापा को कह रहा है चलो भाई अब थोड़ा जो है दौड़ा जाए, वॉक करा जाए, क्योंकि अब खाना भी तो पचाना है फिर, ताकि हम और खाना खा सकें। इवान देखो कहाँ जाके बैठ गया, बाबा ज़िद कर रहा था कि मुझे वहीं पर जाके बैठना है, उन्हीं के साथ खेलना है, बातें करनी है। अभी इतना छोटा सा और इतना तेज़ हो चुका है, और एक मेरा भाई है जिसे इतनी शर्म आती है। मामा यहीं रह गया, भांजा कहाँ पहुँच गया। जोश जोश में जो है मैं भी अपनी सुरीली आवाज़ से वहाँ पर जो है गुनगुनाने लग गई। मेरा जो है बहुत ज़्यादा डांस करने का मन कर रहा था, पर मेरा भाई मुझे बोल रहा था मत कर मत कर, तुझे सब पागल बोलेंगे मत कर। तो मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ, बट फाइनली मैं जो है डांस करने के लिए फिर उठ ही गई। फिर एक बार अगर जो मैं डांस करने उठ जाती हूँ, तो मैं इतनी जल्दी बैठने वालों में से तो हूँ नहीं, तो ऊपर से हिमाचली गाना, तो मैंने तो पूरा इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया मुझे तो पूरा डांस करके। अब भाई मैंने इतना डांस किया, तो अब भाई कुछ खाना तो बनता ही है, तो फटाफट जो है कुछ खाते हैं और फिर से एनर्जी लेकर आते हैं, और फिर हम दोबारा डांस करेंगे। फाइनली जो है बुकर रेडी हो गए डांस करने के लिए। जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि इवान को भी अब नींद आ रही है और DJ अभी 11 बजे लगना है। तो ओके बाय बाय, बहुत मज़ा आया हमें, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने आज। तो अब हम चल पड़े घर वापस,
सबसे अच्छी बात यह है कि आज इवान ने बहुत इन्जॉय किया. अगर इवान इन्जॉय नहीं करता तो हम भी नहीं कर पाते, तो बहुत अच्छा लग रहा है. तो ओके, अब चलते हैं घर वापस. आफ्टर पार्टी. अब तो इवान ये देखो ज्यादा चढ़ गई भाई, ज्यादा चढ़ गई भाई ने, ज्यादा पी ली. पहले मैं कह रहा था मत. इवान जो है बहुत ज्यादा थक चुका है, तो उसे जो है बहुत ज्यादा तेज नींद आ रही है. Now it's ice cream time. अलग अलग मम्मी की सबसे सस्ती बाजू वाली गरीब कुल्फी. तो मेरा बेटू तो ऐसे सो चुका है, उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मम्मा की गोदी में आते ही बिल्कुल सो गया. तो मैं अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रही हूँ इससे पहले कि मेरा बेटा उठ जाए और वो आइसक्रीम मांगने लग जाए. और ये मम्मा की 10 रुपए वाली आइसक्रीम, कहते हैं मुझे ऑरेंज वाली खानी है. अब इनसे खाई नहीं जा रही, अभी कह रहे हैं मुझे अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, तो मेरी आइसक्रीम जो है चेंज करो. तो भाई फाइनली जो है मम्मा के लिए हम दूसरी आइसक्रीम लेकर आ गए, कुल्फी वाली. तो दूसरी वाली भी हमने फेंकी नहीं, वो हमने अमन को दे दी, क्योंकि जो है फूड भाई वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए अब वो खाएगा अमन. तो फिर ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा.